Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another video. और आज क्या दिन है, फाइनली हमारा सेकेंड इवेंट है. फर्स्ट हमारा दुआए खैर थी जो कि घर में थी और उसमें मिलाद शरीफ था, और अब है हमारा दूसरा इवेंट जो कि एक बेबी शावर है. इसलिए रखा है कि हम वो सेलिब्रेट कर सकें, खुशी मेमोरी बना सकें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी कुछ ना कुछ इवेंट सेलिब्रेट कर सकें. मजा आता है यार, मतलब फैमिली का अलग इवेंट होना चाहिए, दोस्तों का अलग होना चाहिए, जो मिक्स होता है ना उसमें हम लोग किसी एक को मतलब टाइम नहीं दे पाते, तो इसलिए बहुत मसले होते हैं. तो बस आज उसी के लिए मैं जा रही हूँ सलोन, काफी लेट हो गया. और जब हमारा कोई इवेंट होता है कोई ना कोई मसले हमारे सर पे आ जाते हैं क्योंकि हमें नजर पहले लगती है. हम आए हैं बिरयानी शिरयानी खाने क्योंकि अली ने कुछ भी नहीं खाया. जल्दी से ये खाते हैं क्योंकि अगर मैं खाऊंगी नहीं ना तो मुझे पता है कि सलोन पहुंचने के बाद वहाँ पर मेकअप करवाते हुए मुझे इतनी भूख लगेगी मैं बता नहीं सकती. तो खैर मैं अभी साथ साथ खा लूँ, साथ में आया मेरा फेवरेट रायता, इनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है. सामान बाकी एक बैग में पकड़ लिया. तो गाइस अभी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्ट की वीडियो बनी है, बस ऊपर जाएंगे ड्रेस चेंज करेंगे और फिर रेडी होंगे. लाइट बहुत हो गया, सामान इधर से उधर जाएगा, मेरा सामान नहीं रख रहे तू. फाइनली अब जाके मेरा मेकअप स्टार्ट हो रहा है, बस जल्दी से होते हैं, बहुत लाइट सा करना है, बिल्कुल हैवी शवी ना. मेकअप शेकअप हो गया, बस हेयर डू होगा, जा रही हूँ यहाँ से. काम वाम सारा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, अली बाहर आ गए, अब चलो लेट हो गए. मैं बैठी हूँ गाड़ी में, अली भी आ गए. मैंने ब्राउन श्राउन मैचिंग करवाई अपने साथ, थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया बट कौन सीन है क्योंकि मेरा लाइट है. तो वहाँ पर थीम थोड़ी सी ग्रीनिश ब्राउन टाइप की है ना. लेट्स गो, अब जाते हैं जल्दी से फोटोग्राफर भी आ गया. अभी थीम सब करवा बहुत फिर मैं फ्रेश होने गया हूँ. फाइनली हम मेन्यू पे आ गए, बस ऊपर चलते हैं और देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया क्योंकि फोटोग्राफर तो आ गया, बाकी सब लेट ही आएंगे. तो वेन्यू ठीक है, ये सेटअप हुआ है और ये सही इवेंट प्लानर ने किया है, गिफ्ट एंड बेक. और मुझे इतना अच्छा लगा है ये सेटअप, पूरा जंगल थीम एंड ऑल. बाकी बस ये कप केक यहाँ पर रखे जाएंगे, थोड़ी सी मुझे जगह नहीं, बस यही है फ्रंट पे रख देते हैं. ब्राउनी भी थी, ब्राउनी भी सारी चीज़ें एक साथ रख लेते हैं ना हम लोग लाते हैं. केक है ये बहुत अच्छा बना गया, ये तो मैं केक देखा है, देखो कितना क्यूट है, बहुत क्यूट किया सा केक. ब्राउनी की अरेंजमेंट हो रही है यार, थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प कर पाई है इसमें मेरी. हाँ मेरा भाई पहले ही आके बैठा हुआ है, उसको मैंने बोला था टाइम से आ जाना, टाइम पे ही आया है, सबसे पहले ये आया है सबसे पहले. और मैं सोची थी सोता रहेगा क्योंकि ये रात में मैं जाग रहा था और ये इसका मूड नहीं था आने का. इन लोगों की शूटिंग रील शील के लिए हो जाए, उसके बाद जब तक हम यहाँ पर बैठ जाते हैं खाली वहाँ जाके. अली यहाँ पर आना है, इधर आना है, यहाँ से जी रील भी बनेगी, पिक्चर्स भी हो रही है, यहाँ पर आना है पहले जी. बस अली का फोटो शूट हो रहा है क्योंकि हमारी रील थोड़ी बहुत हो गई है, बस मेरा सोलो शूट हो गया, तो इससे पहले इसका हो जाए क्योंकि थोड़ा बहुत दो तीन पिक्चर ही लेते हैं मेरे मियाँ जी. बस दो इधर हाय कर दो, हाय इज़मा. तो गाइज आपको कैसा लगा हमारा बेबी शावर, कमेंट में बताएं आप हमें. फर्स्ट गेस्ट सब इतना लेट आए, नहीं रास्ते में ईशा भी रास्ते में, कशप कैसे हो ब्राइन, फर्स्ट क्लास यार, लेट हो बहुत लेट हो. नहीं यार बहुत प्यारी लग रही, क्या है कोई बात नहीं, बस हिम्मत को. पहचान रही हो, अरे यार ईशा मुझे पहचान नहीं रही है. चीज खत्म हो जाए तब आके मेरी फ्रेंड से पूछा बेबी शावर क्या होता है, तो पता है बेबी शावर क्या होता है. अब आपकी बारी, जल्दी से पिक्चर्स ले लेना, फिर हम लोग गेम्स खेलने हैं, खाने को गेम्स के बाद फौरन मिल जाएगा ऑन सीन. हाँ अली तुमने कुछ करना था,
तुमने कहा था सब आ जाए फिर बताऊंगा क्या था वो? तुमने बोला था सब आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलूंगा। पहले हम गेस करेंगे ना कि वो डेट कौन सी है। और लॉर्ड पहले से जेंडर बता दिया अली बेबी बॉय। बेबी बॉय मैं गारंटी के साथ बोलती हूं। अगर बेबी गर्ल हो गई तो मैं पेंट की पहचान करूं। ये वो पुरानी जमाने की और तू किस बातें कर रही है यार। चलो चलने के लिए यार उसके दो हो गए लड़का वाला भी बॉय था लाइन में। अल्लाह जो तुम मांगोगी नवंबर की डेट पता करनी है तो ये हिसाब लगाने बैठ गई। अभी हिसाब नहीं लगाओ लिज बस सफर करो लोग हार जाएंगे वरना बाकी सारे 7 नवंबर है ना। नहीं 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 मैं क्यों बताऊँ अभी अभी क्यों बताऊँ नवंबर नहीं नहीं अगर सही होगा तो पक्का पक्का अली और मुझे पता है ना तो हम लोग बोल देंगे हाँ सही। इतने का टाइम हो गया अभी केक शेक आ जाए फिर हम केक के बाद गेम खेलेंगे। हैप्पी बेबी शावर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बेबी शावर। चले गाइस तब तक ये खाओ अच्छा ये खाओ पियो ऐश करो। ऐसा यहाँ पर फुल बूमरिंग सूमरिंग बनाते हुए केक को अच्छा ही आ रहा है लाइट अच्छी नहीं है तो तुम्हारी लाइट नहीं चल रही है कैमरे की यहाँ पर तो लाइट सही आ रही है नहीं पे लड़ रहे यार ये लोग यार शादी होने वाली है अभी शादी होने वाली है अभी नहीं बोलेंगे तो शादी तो होने दो उसकी ये सब ले आओ सही है यार। नहीं आराम आराम से हम ऑर्डर करते हैं उसके बाद हम गेम स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ बस मुझे यार गेम है यार। हाँ ये वाला मेरा बैग है अली मुझे किसका बैग है मेरा ठीक है। और सामने हमारा कैलेंडर अब इसमें सारे डेट्स बताएंगे कि कौन सी एक्चुअल डेट है। बहुत मजा आने वाला है एक एक करके सब आ जाएंगे। यहाँ से ऐसे गलत गलत बॉडी 50 अरे तूफान गलत दिखाओ 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 ये दिखाओ ये दिखाओ अली 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 लेकिन कन्फर्म ये है ऊपर नीचे वो बोल रहा था पीछे तू का 11 11 तुमने नहीं लगाया तुमने 12 पे लगाया। चलो खैर सर बोले हो तो हम इतनी लेट आई हो यकीन बता दो वरना उसको डेट पता चल गई। अच्छा डेट यार ये लेट ड्यू डेट है हमारी सबने लगाए कि करके प्रेडिक्शन तो दे दिया अब ये खुद ही फिल करके इससे दे देंगे बच्ची को थोड़ा सा जूस अलग से निकाल के दे देगा। एक छोटी बच्ची होती है आप लोग बड़े बड़े बच्चे बड़े बड़े बच्चे शाबाश जल्दी से पियो बड़ी बड़ी बच्चिया शाबाश जल्दी से पियो। ये जीत गई स्नैप बना रही खेलती थी और यहाँ पे नाक कटवा रही हो दो अम्माएं जीत गई अभी अली की स्पीच रहती है वो लोग वो होनी है माय डियर वाइफ
हमारी तो स्पीच नहीं पहली बता देना। नहीं नहीं तुम लोगों की नहीं है। अली की है, अली गुम हो गया, अली कहाँ है। हमारा खाना खाना भी आ गया, इनकी वीडियोस खत्म होके ही नहीं दे रही है, लेकिन हमारा खाना फाइनली आ गया। ये बस हम खाएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। गेम्स अभी भी रहते हैं, स्पीच अली की अभी भी रहती है, स्पीच होनी है अली की, वरना बैड सीन हो जाएगा। मुझे सुनना है कि इसने क्या लिखा हुआ है अपने पास। दो दिन से कह रहा है मैंने स्पीच करनी है, मैंने स्पीच करनी है, बता नहीं रहा स्पीच क्या है। पहले दुआ निकल जाए उसके बाद खाना। जिसको बिल देना है उसका खाना ही नहीं ला रहा। तुम्हारा खाना नहीं आया अभी तक? अभी तुम्हें मेरे साथ खा लो। अजी ब्राउनी पे ब्राउनी खाया जा रहा है, इनका खाना नहीं आया अभी तक। खाना साथ का तो आ गया, पास्ता आ गया, खाऊं तो खाओ ना, स्टार्ट करो। ये बैठ के स्पीच देख रहा है, मुझे दिखा तो दो, स्पीच क्या है पढ़ूंगा ना। दिखा भी नहीं रहा है, कल से यही कर रहा है यार ये मेरे साथ। शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, अपनी बेगम को बोलते हुए बेगम को बोल रहे हैं, और क्या बात हो सही। तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हारी क्या कौन सी शर्माहट है? ये थोड़ा सा शायद ये है, ये बहुत शायद अकेले में तारीफ हो जाएगी, लोगों के आगे तारीफ नहीं होती। लेकिन यही बात है, अकेले में लड़ाई भी करवा लो मुझसे। बेटा लोगों में अली से लड़ाई हो जाती है, अकेले अकेले लोगों में भी। एक टाइम आएगा तुम लोगों में भी लड़ाई करोगे। करीब करो माइक, माइक करीब करो। अब स्पीच मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, कब से बोल रही हूँ, दे दो दे दो, नहीं दे पा रहे थे, अब फाइनली दे रही हूँ। आज फिर तुम पे प्यार आया, टू माय डियरेस्ट वाइफ। पहली बार स्पीच दे रहा हूँ मैं, मैंने शादी पे दी थी बेगम के लिए, बेगम के लिए रोज थोड़ी देर। टू माय डियरेस्ट वाइफ, आई नो ये मंच तुम्हारे लिए इतने आसान नहीं थे। हार्मोन चेंजेस, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बॉडी पेन्स और मूड स्विंग्स, हाँ पर वो मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। सबसे ज़्यादा मूड स्विंग मैंने बर्दाश्त किए। तुम बहुत एक स्ट्रॉन्गेस्ट वूमेन हो और एक बहुत अच्छी माँ बनोगी तुम। तुमने जो ये वक्त घर को अपने आप को जिस तरीके से प्यार रखा है, मैं तो और प्यार में गिर गया तुम्हारे। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा साथ रहूंगा। बच्चे के बाद भी ज्यादा प्यार तुमसे होगा, फिर बच्चे से होगा। आई लव यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिखा दिखा के ख्वाहिशें पूरी होंगी। हम एक एक करके सारी पोयम्स गाएंगे जो हम बचपन में गाया करते थे। तो जितनी भी मम्मी इन बच्चों को पढ़ाती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनको याद थी। अभी हम तो बने नहीं है ना अभी, लेकिन मुझे मेरे बचपन की एक याद है ना, छोटा सा मकोड़ा चढ़ गया, बारिश आई मकोड़ा भी गया, सूरज निकला पानी सूख गया, और छोटा सा मकोड़ा तरफ चढ़ गया। पोएम गाऊंगी जो बचपन में मम्मा मुझे सुनाती थी और जिसको सुन के मैं सोती थी, और अपने बच्चे को भी आगे वो ही सुनाऊंगी। चंदा मामा दूर के तेरे पकाए दूर के रोज लाके लेने थालियां बजा बजा के तालियां मम्मी को खिलाएंगे दूर खिलाएंगे। अब मुझे तुम्हारा याद आएगी पड़ेगी। चंदा मैं हूं, बस आई हूं बागन में जो आम पचाई हूं, आम पचाई हूं गांव पाई हूं, अर्शद मेजे तो तारा तो बहुत अच्छा पोएम पढ़ी है, टाइम कोई जा रहा है, बाय बाय लाफे, बहुत अच्छा इवेंट था, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखे। अब आना मेरे बेबी जब आएगा ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आऊंगी, उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊंगी जब वो पैदा होगा इंशाल्लाह। सही है, खाला है मेरी गिफ्ट तो मिलेंगे। सो मच फॉर कमिंग, जरूर आऊंगी। शादी का मेरी कंडीशन सही है कि मेरा पता चल गया, अपडेट शेट सारी पता चल गई, वरना आने की कोशिश है कि बस आ जाना। ओके ओके दुल्हे राजा, ठीक है।
हम आओगे मेरी शादी में? यार हम दोस्त हैं। हाँ हाँ, तो दूल्हे नहीं हो? दूल्हे राजा नहीं बोलूं? मैंने तुम्हें क्या बोला, जीजा जी तो बोला नहीं है, दूल्हे राजा बोला है। मुश्ताक के बाय लारे भाई को साथ लाना अब आइंदा, और अकेले नहीं जाना कहीं भी शादी के बाद। मुझे भी बोला वैसे कि मैं इनके साथ आऊंगा। तुम भी, तुम आओगी ना जब तुम्हारी शादी पे आएंगे, फिर हम तुम्हें भी दुआएं देंगे। सही है, ठीक है। थी मैं काम से गई हुई थी, मैं वहां भी भागी भागी आई। तुम्हें पता था आज इवेंट है, फिर भी तुमने काम किया? मैंने इसको शाम को बता दिया था, मैंने कहा चल रही हो। बोलो 7:30-6:30 बजे। हमने इतने मजे मजे के गेम्स खेले, अब हम थक के बैठे। मैं तुम्हारा व्लॉग रात में देखूंगी। वो देखो डेट, पीछे मुड़ो, डेट देख लो, ड्यू डेट है जो डॉक्टर ने दिया। उससे भी आगे पीछे होता है, एक आगे पीछे होता है। माय गॉड, हो रहा है ना ये पीटर पी ली हमने। अरे कार्ड रहते हैं ये, तो मैं भूल गई देना। चलो बच्चों को दे देती हूँ, देना ये था। एक मिनट, एक एक बच्चे को दो, एक एक बच्चे। अब फाइनली मेरे पास आई है। बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और मैं ऊपर जाके व्लॉग अब एंड करती हूँ। थक गया मेरा भाई। शिप्स आधे ये रहे और केक भी हम लेके आ गए थे। हम लोग केक देना भूल गए वहाँ पर, बट खैर बहुत अच्छा हो गया, ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। अली ने इतनी मज़े की स्पीच दी ना कि मुझे रोना आ गया, और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू डिड, क्योंकि अली ने काफ़ी एफर्ट्स की थी। बहुत सारी दुआएं करें कि खैर खैरियत से अब ये वक्त गुजर जाए, और माशाल्लाह बोले, और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, ऐसे सपोर्ट करें, और जल्दी से 100 के करवा दें, क्योंकि अब हम रोज आना तो नहीं, मतलब बहुत कम भी नहीं, हम जल्दी जल्दी एक्टिव हो रहे हैं, व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।